आज आम मैंने बिना पियाज रसुण से सोया आलू पलाऊ बनई कि रेडी करिबा याकु आपण माने जे कोनोसी ओसा पूजा व्रत रे मध्ये खाई परंती एटा खाइबा पई बहुत ही स्वादिष्ट लागी थाए आउ याकु बनेबा मध्ये बहुत सहज। नमस्कार मु लक्ष्मी, रोसे विथ लक्ष्मी रे आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। रेसीपीटी स्टार्ट करबा पूर्व जदि आपण माने मो चैनल ले नुवा किबा मो चैनल के एपर्यंत सब्सक्राइब करिनांती तबे फटाफट सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सिलेक्ट करिनियंतु। एठ देखंतु मु गोटे बाउल रे एई गिना रे मापी की दुई गिना दे दोची बासमती चावल। आपण एठी घरे थिबा नॉर्मल अरुआ चावल मध्ये नै परंती नहले बिरयानी चावल मध्ये नै परंती, किंतु चावल को मापीबा पई आपण कोनोसी गिना किबा कप को मेजरमेंट रे व्यवहार करंतु। एबे आमे कोन करबा ना एथरे अल्प किछि पानी देई दबा ओ ई चावल को 3 रु 4 थरा भलो भाबरे धोई कि नै आसीबा जेते पर्यंत चावल रु सफा पानी न बाहरि छि। चावल को धोई सला परे याको मे पानी रे पाखा पाखी 15 मिनिट पर्यंत एमती भिजे कि रखि नबा। सेते समय भितरे आसंतु आमे अलका सब प्रिपरेशन करि नबा। सेति पई मु गोटे कढ़ई गरम करि सेथरे देई दउ छि 1.5 ग्लास पाखा पाखी पानी। आउ ई पानी रे आमे अधो छोटो चम्मच लूण बा स्वाद अनुसारी देई दबा लूण। लुण को पानी सहित टिके भल भाव में मिसई नबा जमी आम आलू एवं सोयाबीन खाइबा को फिका लगे ना। तो ये देखो ये गिनारे मुझे गोटे गिना सोयाबीन सहित से सेम क्वांटिटी नहीं चीज आलू। आलू को देखो ये मुझे चोपा छड़े टेम बड़ बड़ सैज्र काटी छोट करेंगे ना एमती बड़ बड़ करें एवं कौन करा ये आलू कई थे आलू दे सारापर आपको टी हाला मिसई ना तापर कभर करके मीडियम टू हाई फ्लेम 4-5 मिनिट पर्यंत या सीझापी छाड़दा। या को आम सोयाबीन बड़ीटा फुलला पर्यंत कुक करा। आलू को आमको बेसी कुक कर ना जस्ट जमी 10-20% जमी कुक हो भाव में कुक करार अच्छी। ये देखो सोयाबीन बड़ी आम सैज्रे डबल होगला आपँ चेक कर देखे देखो आलू आम बिलकुल सीझी खाली ऊपर सिल्टा टिके नरम हो जाए। एबे आमे कौन करबा ना सबू सोयाबीन एवं आलू को बाहर करके गोटे कंसा कि गोटे बाउल मध्य को ट्रांसफर कर नबा। ये देखु सबू गुड़ाक बाहर करें कौन करबा ना ये किसी थंडा पानी देद थंडा पानी आम या 2-3 थर भल भाव में धोई ना जमी सोयाबीन टा जल्दी थंडा हो एक्सेस सॉफ्ट हम नहीं। थंडा पानी रे 2-3 थर धोई सारापर आम सोयाबीन को एमती चिपुड़ी तार जो एक्स्ट्रा पानी गुड़ाक अच्छे से बाहर कर नबा। ये सेम प्रोसेस रे आम सब सोयाबीन को चिपुड़ के रखि नबा ता सहित जो आलू को आम ए बॉइल करे से आलू को मध्य आम बाहर करके प्लेट रे रखि नबा। ये देखो मुझ सब सोयाबीन एवं आलू को गोटे प्लेट रे रखि नहीं जा कुकिंग प्रोसेस को से गोटे कड़े गरम कर कड़े देखते दे दूसरी गोटे चामच पखापाखी रिफाइन तेल तेल हालाका गरम होगापर एमेंद स्वाद अनुसार लुण आम सोयाबीन में भी लुण देते कि पाने धोला तार कि लुण अंश कमी जा लुण दे सारापर अध छोट चमच देद हलदी गुंड आ लो फ्लेम टी भाजी ना। यही समय आपड़ बिलकुल भी गैस फ्लेम को मीडियम कि हाई रखे ना ना गुंड मसला पोड़ प्रथम आम कौन करा बॉइल कर रखि आलू को भाजी ना। आलू को आम मीडियम फ्लेम भल भाव गोल्डेन करके भाजी ना। जदि आलू को आपण मैंने हाई फ्लेम भाजपे तेल गुंड मसला पोड़ ये देखु पखापाखि 2-3 मिनिट पर आलू आम भल भाव गोल्डेन होजी होगला या आम बाहर करके गोटे प्लेट मध्य रखि नबा। तापर एक कड़े बड़का तेल आम सीझे रखि सोयाबीन को देद आपत जिते भी आलू सोयाबीन को भाजबे प्रथम आलू को भाजबे तापर जा सोयाबीन को भाजबे कहीं सोयाबीन सब अधिक तेल को पी नहीं थाए से आपण मैंने आलू को भाजी सारे तापर जा सोयाबीन को भाजबे देखिए दुईटा जाक कम तेल भी भाजी हो। ये देखो लो फ्लेम रे गोटे मिनिट पर्यंत सोयाबीन को भाजला परे सोयाबीन भल से भाजी होगला या को आम बाहर करके गोटे प्लेट मध्य रखि नबा। सोयाबीन रो क्वांटिटी आपण हिसाब से आपड़ कम बेस सब सोयाबीन को बाहर कर सारापर आम से ही कड़े देद आउ गोटे चमच रिफाइंड तेल तेल भल से गरम होगापे किसी गोटा मसला देद गोटा मसल मुझे गोटे सुखिला लंका गोटे छोट चमच गोटा जीरा गोटे बड़ अलच गोटे स्टार फूल 4 लवंग 2 ग्रीन गुजराती 5-6 गोलमरीच खंडे डालचीनी आ गोटे तेजपत्र सब गोटा मसला को दे सारापर आम लो फ्लेम गोटा मसलार फ्लेवरटा तेल चली आसला पर्यटन ए गोटा मसला को भाजी ना। गोटा मसला भाजी होगापर ये देखो मुझ 2 मीडियम सैज्र टमाटो को एमती बड़ बड़ खंड काटिक रखी थी टमाटो को देद और टमाटो को दे सारापर ए तुरंत ही आम देद स्वाद अनुजाई लुण
आमे सोयाबीन रे भाजला बेले भी लुण देचे आगु को मध्ये आमे लुण व्यवहार करबा सेति पे लुण को आपण देखिकी देबे लुण दे सेला परे आधा छोट चम्मच दे देबा हळदी गुंड आधा छोट चम्मच दे देबा टी लंका गुंड आधा छोट चम्मच टू टिके अधिक दे देबा धनिया गुंड आधा छोट चम्मच टू टिके कम दे देबा टी जीरा गुंड आपण सब बेले जेति की धनिया गुंड नेबे तार आधा नेबे जीरा गुंड एबे एथरे आमे 2 रु 3 चम्मच पाखा पाखी दे देबा अदा बटा मु 1.5 इंच रो अदा को मिक्सर जार रे अल्प टिके पानी देकी तार ओडे चिकन पेस्ट बने के रेडी करिनि थिली अदा बटा को देसाला परे याको आमे भल भाबरे मिसेई नबा अदा रसुन एवं गुंड मसाला रो कंचा स्मेल जिबा पर्यंत आमे लो फ्लेम रे याको गोटे मिनिट पर्यंत भाजी नबा मसाला रो कंचा स्मेल कटि जिबा परे आमे एथरे 2 रु 3 चम्मच पाखा पाखी पानी दे दबा आ पानी देसाला परे टिके भल भाबरे मिसेई नबा तापरे कभर करिकि लो फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कसी हेबा पई छाडी दबा सेते समय भितर टमाटो मध्ये हमरा भल भाव सॉफ्ट हो जीवो एटी देखंतु मसाला को हमरा कसी हेबरा पाखा पाखी 3 रु 4 मिनिट हे गलानी तो एटी मु लिड काढ़ के चेक करिनि होची आ देखि पारुथिबे मसाला मध्ये हमरा भल भाव कसी हे गलानी आ टमाटो मध्ये हमरा भल भाव सिझी जाइची मसाला एभली भाव कसी हे गला परे आमे एतरे भाजी के रखीथिबा सोयाबीन बॉडी एवं आलू को देइथबा आलू सोयाबीन को मसाला संगे टिके भल भाव मिसेई कि याको मध्ये आमे आउ गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत कसी नबा किंतु याको आमे कभर करके कसिबा जेमिते आलूटा टिके सिझि जिवो आपण चाहिले इतरे दही मध्ये देई परंती किंतु आज मु आपण मानकु सबठू सहज उपाय रे सोया आलू पलौरा रेसिपीज बनेकी देखौछि एटी देखंतु पाखा पाखी मसाला को कसि हेबारा 2 मिनिट हे गलानी त मु लिड काढ़ के चेक करि नेउछि आ देखि पारुथिबे मसाला संगे आलू सोयाबीन भलसे कसि हे गलानी मसाला कसि हे गला परे एबे इतरे आमे आधा छोट चम्मच दे देबा गोलमरीच गुंड ता सहित आधा छोट चम्मच दे देबा आमे गरम मसाला ये सब जिनस को टिके भल भाव मिसेई नबा आज रेसीपी आम घर थी जिनस रेसीपी को बनाऊे कि आमको बाहर खर्च करने को बेस पड़े ना मसला को गोल सारापर आम ये जो भिजे की रखि चाउल से चाउल पा को बाहर कर देखिपे चाउल आम भलसे बतुरी जाइए चाउल को देदे चाउल को दे सारापर फ्लेवर परमें 2 रु 3 कंचा लंका ये सब जिनस को आम टे भलसे मिसई नवा आ गैस फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम रे रखिकी चाउल को आम 2 मिनिट पर्यंत मसला सांगे भाजी नवा जमी चाउलटा मसला सांगे भलसे भाजी हो भातर प्रति दाना रे गोटे बहुत बड़ा फ्लेवर चली आसब ये देखु चाउल को भाजपार पखापाखी 2 मिनिट हो जापे चाउल जहाँ भी एक्सट्रा पा था सहीटा सुखी जा चाउल एमती भल भाव भाजी होगापर आम जो गिनारे चाउल को मापिक नहीं सही सेम गिनारे देदे 4 गिना पा मु 2 गिना चाउल नहीं प्रथम देदे 4 गिना पा माने आप चाउल जीक नहीं तार डबल देदे पा 4 गिना पा दे सारापर देखो मु आउ अध गिना पा नहीं सोयाबीन देचे सोयाबीन को भी पा दरकार से आम अध गिना पा एक्सट्रा दबा माने आप जी चाउल नहीं तार डबल देदे पा ता सहित अध गिना एक्स्ट्रा देवे पानी सोयाबीन तापर आपको भल भाव टिके मिसेई नबा आ कभर करके लो फ्लेम रे पाखापाखी 15 मिनिट पर्यंत कुक होबा छाड़ दबा एटी देखंतु भात को कुक होबार पाखापाखी 15 मिनिट हो गलानी तो ये मुझे लिड काढ़ चेक कर देखि पारुथिबे पानी गुड़ाक सब ऑब्जर्व कर तले हल्का हल्का टिके पानी लगुच ये स्टेज में आम कौन करा देदे स्वाद अनुजाई लुण माने भात को आम जी लुण दरकार आम से ही स्टेज में देदे आपड़ चाहिए पानी दे समय लुण दे पारती भल बास्नापाई 2 चामच देदे गुआ घी गुआ घी ये बिल्कुल ऑप्शनल अच्छी जदि आप अच्छी तेज आपड़ निश्चिंत दिंतु ता सहित किसी फ्रेश धनिया पत्र को एकदम छोट छोट काटिकी सब जिनस को टी भल भाव मिसई नवा ये देखो ये आपण मानक चेक करके भात आम परफेक्ट भाव कुक स्टेज में गैस फ्लेम को अफ करना आपको कभर करके पाखापाखी 10 मिनिट पर्यंत रेस्ट देदे मन रखु ये मुझे गैस फ्लेम को बंद ही रखी या 10 मिनिट पर्यंत रेस्ट देदे कौन हम ना तले जो आप हाल्का हाल्का टी पा लगुला से आम चाउल भात अब्जर्व करना आम पलौटा बिल्कुल खिलाखिला बनब ये देखो आम पलौ को रेस्ट दबार पाखापाखी 10 मिनिट हो गलानी तो ये मुझे लिड काढ़ चेक कर देखि पारे आग अपेक्षा यहाँ बिल्कुल ड्राए लगुच आमर ये भात गुड़ाक पलौ गुड़ाक बिल्कुल खिलाखिला बनी आई आपण चेक करके देखो आलू गुड़ाक परफेक्ट भाव सिझी भात भी आम भलसे सिझी जाता आलू भलसे सिझी जाए गरमा गरम सर्व करना एमतिका सोयाबीन एवं आलूर बिना पियाज रसुण पलौ सांगे कौन सी तरकारी आवश्यक पड़े ना
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଦହି ରାଇତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।